Hey guys, this is Sanket here, back to another video and back to same place. I was trying to record it my home, but too much disturbance. Hello everyone, welcome back to the channel. And so, this is about traveling. So I decided to come over here. So and because this place look nice and good positive vibes, so this place is always good for, you know, this kind of things. First of all, I would like to welcome to all my new subscribers to my channel, because this channel is all about the travel regarding Merchant Navy. Jitna mujhe knowledge hai, I try to share with my channel and through my comment, through my Instagram page. So anyway, today I'm going to talk on the topic that the things which you carry on board, because a lot of message came regarding this topic, so I decided to make one video about this. ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में, बहुत सिंपल की चीज़ है, ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने की चीज़ है, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेगा इस वीडियो के लिए. वेल फर्स्ट थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट वाइल पैकिंग यूर लगेज बैग, दैट इज़ कीप यूर लगेज लेस दैन 15 to 20 kg. Although cement can carry at up to 40 kg, if you get cement ticket, whatever luggage you can carry, that is mentioned in your ticket, so don't worry about this. So main point is that try to keep your luggage 15 to 20 kg, because ऐसी बहुत सारी चीज़ हो जाती है ट्रैवलिंग के टाइम, और इतना सारा वेट लगेज उठा के लेके जाने की भी बहुत हेक्टिक हो जाता है माइंड, और माइंड बहुत टायर्ड हो जाता है. सो क्योंकि मेरे साथ भी अभी हुआ है एक्सपीरियंस सऊदी में ही, एयरपोर्ट जाने से पहले मेरा बैग का हैंडल टूट गया था बिकॉज ऑफ वेरी हैवी वेट, एंड मैं इतना परेशान हो गया घर आते आते. ऑल्दो मैंने कैमरे में दिखाया नहीं ये सब चीज़ें, लेकिन बहुत हेक्टिक हो गया था. सो ट्राई टू कीप योर, मैंने एक्चुअली शॉपिंग भी बहुत सारा किया था, सो इस चक्कर में हो गया. एनीवे, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कीप योर लगेज अप टू 15 to 20 kg, सो इट विल बेटर फॉर यू. सो ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में, आप बस प्रैक्टिकली सोचिए शिप पे आपको डेली रूटीन के लिए आपको कौन से क्लॉथ लगेंगे. लाइक आप तो उधर ज़्यादा मतलब फॉर्मल ये सब लेके जाने की ज़रूरत है नहीं, आप बस टी शर्ट और शॉर्ट्स ज़्यादा से करके लेके जाओ, 5-6 टी शर्ट, 3-4 शॉर्ट्स, सॉक्स, इनरवेयर, और स्टॉक थोड़ा ज़्यादा रखो इन सब चीज़ों का. फॉर्मल कभी कभी आपको लगेगा पार्टी में, ज़्यादा क्लॉथ्स मतलब फुल शर्ट्स वगैरह लेने की ज़रूरत है नहीं, बस टी शर्ट्स और शॉर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा रखो, इनरवेयर, सॉक्स को आपको ज़रूरत लगेगी, सॉक्स ज़्यादा रखो. एंड टॉवल बेडशीट तो उधर से मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी आप पर्सनली कैरी करना चाहते हो तो एक बेडशीट और एक टॉवल भी कैरी कर सकते हो. एंड सोप, डिटर्जेंट पाउडर, ये सब आपको ऑनबोर्ड मिल जाएगा. मेडिसिन की भी ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी पर्सनल जो मेडिसिन आपको ज़रूरत है उन मेडिसिन की आप कैरी कर सकते हो मेडिसिन भी. इफ़ यू आर फ्रॉम GP rating background, then no need to carry books and all for padai and all. Lekin if you are from DNS or marine engineering background, then you need some books to carry on board. So according to that, ज़्यादा book लेके मत जाओ, उधर जाके पढ़ाई होता नहीं है, फिर भी आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा book लेके जाओ, जितना आपको लगता है कि ये सब चीज़ें important है वो सब book आप carry करो. Okay, ये तो हो गया लगेज बैग का. अभी हैंड बैग में आप अपना लैपटॉप, आपके डॉक्यूमेंट की फ़ाइल, आपको मोबाइल का चार्जर वगैरह सब लैपटॉप चार्जर, ये सब चीज़ें आप हैंड बैग में रख सकते हो. एंड वन मोर थिंग दैट हैंड बैग, रिमेंबर एक बैग लिया मैंने छोटा सा, अच्छा है, इसमें थोड़ा पासपोर्ट, CDC, अपना सब डॉक्यूमेंट जो एयरपोर्ट पे एंट्री करेंगे तब चाहिए तब इसमें रख सकते हैं हम लोग, मोबाइल, अच्छा बैग है. छोटा परचेज इन सऊदी, दैट बैग इज़ वेरी यूजफुल बैग, यू नो यू कैन कैरी पासपोर्ट एंड योर CDC पासपोर्ट that you will required on airport that you can carry on that bag, small bag. Well, now most important thing, that is your document. Whatever document you will get clear from the office, that your appointment letter, your contract letter, your medical certificate and all the certificate that you will get from the company, that you have to keep very safe and secure in your handbag. Remember that, keep your documents, all documents in your handbag. That may, because hota kya hai, क्योंकि लगेज बैग तो आपका चला जाएगा लगेज सेक्शन में, आप तो हैंड बैग आप अपने साथ ही कैरी करते हो हमेशा के लिए, तो अपना जो सारा डॉक्यूमेंट है कीप, ट्राई टू कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स सेफ, बिकॉज शिप पे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. एंड ऑल्सो आगे आप किसी कंट्री में लैंड करते हो दूसरे एयरपोर्ट पर, तो डॉक्यूमेंट आपको लगे तो सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो कीप योर डॉक्यूमेंट, बेसिकली पासपोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो ट्राई टू कीप
with you every time. Well, so ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में. आप बस प्रैक्टिकली सोचो आपको कौन सी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ आपको यूज़ करने को चाहिए ऑन बोर्ड. सो थोड़ा टाइम दे के सोचो, अकॉर्डिंग टू दैट पैक योर लगेज. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट. वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इंपॉर्टेंट पार्ट इज ओनली कीप योर डॉक्यूमेंट सेफ, सेफ ट्रैवल, एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गिव दिस वीडियो लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो. डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड बाय बाय. एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, ट्राई टू कीप योर गोल अप टू 70% एंड गो फॉर बीटेक डीएनएस मरीन इंजीनियरिंग. डोंट गो फॉर जीपी रेटिंग, बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे जीपी रेटिंग स्टूडेंट घूम रहे जॉब के लिए. आप जीपी रेटिंग करके क्या करोगे यार? सो बेटर डीएनएस एंड बीटेक एंड मरीन इंजीनियरिंग. थैंक यू. थैंक्स जयनेश फॉर दिस लवली हेल्प. इस बंदे ने क्या किया है पर्सनली, मैंने बोला भी नहीं, पर्सनली इसने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला है कि मेरा चैनल का लिंक और उसके फ्रेंड्स को बोला है सब्सक्राइब करने के लिए. एंड थैंक यू वेरी मच जयनेश, थैंक यू. एंड और एक मेरा सब्सक्राइबर था, उसने भी सेम पोस्ट किया था ऐसे ही, और उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था. आप सभी लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो तो रियली थैंक यू. मुझे बहुत अच्छा लगा कल और ये पोस्ट देख के. रियली थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.